Hello, my dear students of class 9th of ICSE. My name is Sunando Devnath. Welcome to Imavate Academy. We have already started with the first chapter of physics of your class 9th, measurements and experimentation. तुम लोगों ने first lecture देखा होगा. We have already done the first lecture. अगर नहीं देखा है तो इस video के description box में एक link है, playlist का link है. Click on that playlist link and you'll straight away go to the playlist which contains the first lecture as well as the second lecture. तो जितने भी on lectures इस chapter के होंगे इसी playlist में होंगे. Okay? The name of the playlist is class 9th physics measurements and experimentation. Similarly, we will cover up all the different chapters and they would be arranged in my playlist section under different playlists. तो तुम्हें videos ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट को चूज करके उसके सारे लेक्चर्स तुम्हें वहां पे मिलते जाएंगे. ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड विद केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th आईसीएसई. केमिस्ट्री का भी जो फर्स्ट चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री उसकी भी शुरुआत हो चुकी है इसी चैनल पर. उसका भी फर्स्ट चैप्टर का प्लेलिस्ट बन चुका है एंड लेक्चर्स उस चैप्टर के उसी प्लेलिस्ट में आते जाएंगे. मेक श्योर दैट यू ऑल्सो स्टडी, यू ऑल्सो वॉच द केमिस्ट्री कोर्स ऑफ क्लास 9th आईसीएसई. ठीक है, एक प्रॉमिस तुमको करना है कि यू विल वॉच ऑल द वीडियोस, फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो, तुम्हारे क्लास का जो वीडियोस है यू विल वॉच इट सिंसियरली सो दैट तुम्हें एक भी वीडियोस मिस ना हो, स्किप ना हो. और उसके लिए जरूरी है कि यू शुड हैव प्रेस्ड द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन ताकि एक भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो तुम्हें मिस ना हो. जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए. फॉर दैट यू हैव टू प्रेस द बेल आइकॉन. और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, सारे वीडियो सिंसियरली देखा हुआ रहेगा, नोट्स बनाया हुआ रहेगा. जो नोट्स मैं क्लास में मैं प्रोवाइड करूंगा उनको लिखना जरूरी है तुम्हारे पास. और उन्हीं नोट्स से जब तुम प्रिपेयर करके स्कूल में एग्जाम्स के लिए जाओगे यू विल बी बॉइलिंग विद कॉन्फिडेंस क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से होंगे. द नोट्स वुड बी वेरी क्रिस्प. ठीक है, तुमने देखा है कि लेक्चर वन में किस तरह से नोट्स हमने मैंने प्रोवाइड किया है, बहुत ही क्रिस्प एंड हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. इन लेक्चर वन आई हैड गिवन अ पीस ऑफ होमवर्क. मैंने होमवर्क दिया था 8 क्वेश्चंस एंड हैड आस्क्ड यू पीपल टू सेंड मी द होमवर्क. सो आई हैव रिसीव्ड होमवर्क्स फ्रॉम न्यूमरस स्टूडेंट्स. आई टोल्ड यू जो मुझे होमवर्क सबसे पहले सेंड करेगा आई वुड टेक द नेम ऑफ दैट चाइल्ड. तो सबसे पहले मुझे ये होमवर्क सेंड किया रागिनी अग्रवाल ने. शी स्टडीज इन ग्रीन फील्ड अकेडमी उत्तर प्रदेश. कंग्रेचुलेशंस रागिनी, जिन्होंने होमवर्क मुझे सेंड किया बाद में, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ. तो सबसे पहले मुझे रागिनी सेंड किया, कोई बात नहीं. जिन्होंने सेंड किया लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया, नीड नॉट वरी. आगे आज के वीडियो में भी होमवर्क है और ऐसे और भी सारे जो वीडियोज होंगे दे विल हैव होमवर्क्स एट द एंड. तो मुझे सेंड करना जरूर. एंड चलो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन का सेकेंड लेक्चर. सो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. ओके, सो हियर वी सी सम प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर बिग मेजरमेंट्स. कुछ बड़े बड़े हम मेजरमेंट करते हैं तो यूनिट के आगे कभी कभी हम प्रीफिक्स लगाते हैं. मतलब सुनो, हम लोग सब जानते हैं ये वर्ड लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से. ये वर्ड हमने सब सुना है, मीटर स्मॉल एम सुना है. एवरीवन नोज इट दैट लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है. तो कई बार सुना होगा ना मीटर के आगे हम प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे किलोमीटर, फिर हम हेक्टोमीटर सुना है, डेकामीटर सुना होगा डेकामीटर, हेक्टोमीटर. ये सारे टर्म्स तो जूनियर क्लासेस में सुना होगा. किलोमीटर है ना. तो ये जो वर्ड है गीगा, आई मीन डेका, हेक्टो, किलो, सी डेका, हेक्टो, किलो, दीज आर प्रीफिक्सेस. इस तरह से और भी बहुत सारे प्रीफिक्स है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा. भले ये सुना नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करते हैं. मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पीटामीटर, एक्सामीटर, जेटामीटर, योटामीटर. बिल्कुल वैसे जैसे डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर भी हो सकते हैं, बाकी सारे भी प्रीफिक्सेस हम लगा सकते हैं. एंड व्हाई ओनली विद मीटर, इट कैन बी विद ग्राम आल्सो. अगर हमें किसी बॉडी का मास मेजर करना है तो एक यूनिट होता है ग्राम. दिस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ मास बट दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मास, ग्राम.
तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं ग्राम के आगे, डेका ग्राम लगा सकते हैं, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, इस तरह से हम लगाते हैं। बाकी सारे मेगा ग्राम, गीगा ग्राम भी होता है, बहुत कॉमनली यूज नहीं करते हैं, बट दे ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। ओके, समझ रहे हो प्रीफिक्स का मतलब? अच्छा, बाइट कंप्यूटर में यूज होता है, बाइट मेमोरी, कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी है उसको मेजर करने के लिए। और बाइट के आगे ये सारे वर्ड तुमने सुना सुना होगा, मेगा बाइट, अगर मेगा लगा दिए, फिर गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, इस तरह से हम ये प्रिफिक्सेस को जनरली बाइट के आगे यूज करते हैं। सो यू कैन सी देर आर न्यूमरस प्रिफिक्सेस एंड एवरी प्रिफिक्स हैज अ सिंबल। डेका का सिंबल है डी ए, स्मॉल डी स्मॉल ए, हेक्टो का सिंबल है एच, किलो का के, मेगा का कैपिटल एम, नॉट स्मॉल एम। अगर हमें मेगा बाइट लिखना है तो बाइट का होता है कैपिटल बी और मेगा का कैपिटल एम, तो एम बी। हम बोलते कितना एम बी का फाइल है, इसको डाउनलोड करो, एम बी। एम बी मतलब मेगा बाइट। फिर गीगा बाइट के लिए हम यूज करते हैं जी बी, बिकॉज कैपिटल जी इज फॉर गीगा एंड बी इज फॉर बाइट, कितना जीबी का फाइल है, बोलते हैं ना। सो गीगा बाइट। सो ये सारे प्रिफिक्सेस हम बहुत सारे सुने हुए होते हैं, बट अभी हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये एक्चुअली होता क्या है। सिमिलरली टेरा के लिए कैपिटल टी, पीटा के लिए कैपिटल पी, एक्सा के लिए कैपिटल ई, जेटा के लिए कैपिटल जेड, योटा के लिए कैपिटल वाई, ये तुम्हें याद रखना है। यू शुड नॉट फॉरगेट द सिंबल्स ऑफ ईच ऑफ द प्रीफिक्स। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है। विदाउट नोइंग द मीनिंग देयर इज नो यूज, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस प्रीफिक्सेस। डेका मीन्स 10 raised to the power 1, हेक्टो मीन्स 10 raised to the power 2, किलो मीन्स 10 raised to the power 3, मेगा मीन्स 10 raised to the power 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे को याद रखना, एकदम अच्छे से याद करना है तुम्हें हर एक प्रीफिक्स का मीनिंग। गीगा मीन्स 10 to the power 9, टेरा मीन्स 10 to the power 12, पीटा मीन्स 10 to the power 15, एक्सा 10 to the power 18, जेटा 10 to the power 21, योटा 10 to the power 24। ना व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सपोज मैंने लिखा मीटर, दिस इज 1 meter वी आर टॉकिंग अबाउट, बट मैंने लिखा 1 डेका मीटर। अगर मैं लिखता हूँ 1 डेका मीटर, इसका मतलब ये है 1 into, डेका का मतलब क्या, 10 raised to the power 1, मतलब 1 डेका के जगह हम लिख देंगे 10, 10 raised to the power 1 इज 10 ओनली, तो 1 into 10 meter। दैट मीन्स बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 10 meter का मतलब होता है 1 डेका मीटर, क्योंकि 1 into 10 इज 10 एंड 10 meter हमारा आ गया, कहाँ से आया, 1 डेका मीटर से। मतलब हम ये बोल सकते हैं 1 डेका मीटर इज नथिंग बट 10 meters। डेका मीटर के लिए डी ए एम लिखा, क्यों डी ए एम लिखा, क्योंकि डेका का सिंबल होता है डी ए और मीटर का एम, तो डी ए एम इज नॉट डैम, हियर डैम नहीं है, इसको प्रोनाउंस करेंगे डेका मीटर। 1 डेका मीटर इज इक्वल टू 10 meters। तुम्हें ये याद है, तभी 10 to the power 1 होता है डेका, उसको मैंने यहाँ पुट किया, तभी हमारा 10 meters है। अगर मैं लिखता हूं 1 हेक्टोमीटर, हेक्टो के लिए एच, मीटर के लिए एम, तो 1 हेक्टोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, कैसे पता चलेगा, 1 हेक्टोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हेक्टोमीटर का मतलब है 1 into, हेक्टो का मीनिंग, हेक्टो का मीनिंग क्या है, हेक्टो का मीनिंग है 10 raised to the power 2, यानी 10 raised to the power 2 meter। और 10 raised to the power 2 का मतलब 100 होता है, तुम इसको 100 लिख सकते हो, 100 meters, या फिर 10 raised to the power 2 meters भी लिख सकते हो। तो 1 हेक्टोमीटर इज नथिंग बट 100 meters, या फिर 10 raised to the power 2 meters। 10 raised to the power 2 का मतलब होता है 100, राइट? सिमिलरली अगर हम बोलते हैं 1 गीगाबाइट, जिसको जीबी बोला जाता है, कैपिटल जी इज फॉर गीगा एंड कैपिटल बी इज फॉर बाइट, 1 गीगाबाइट इज हाउ मेनी बाइट्स, तो गीगा का मतलब होता है 10 raised to the power 9, यानी 1 into 10 raised to the power 9 bytes, मतलब 10 raised to the power 9 bytes। तो 1 गीगाबाइट मतलब 10 raised to the power 9 bytes। अगर मुझे कहा जाए 5 पीटाबाइट मतलब कितने बाइट्स, निकालो 5 पेटाबाइट, पी स्टैंड्स फॉर पेटा, कैपिटल पी, पेटा, तो 5 पेटाबाइट इज हाउ मेनी बाइट्स, ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो 5 पीटाबाइट्स का मतलब है 5 into, पीटा का मतलब 5, तो 5 लिख दिया, पीटा का मतलब देखो
10 raised to the power 15, दिख रहा है, बीटा मतलब 10 raised to the power 15, यानी 5 into 10 raised to the power 15 bytes, यह आंसर हो गया कि 5 petabyte is 5 into 10 raised to the power 15 bytes, समझ रहे हो कितना सिंपल है, कुछ नहीं है, ऐसे सारे काम कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें समझाया कि व्हाट डू वी मीन बाय द प्रीफिक्सेस, इनको यूज करते हैं फॉर बिग मेजरमेंट्स, बड़े बड़े मेजरमेंट्स के लिए, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हमको नहीं लिखना पड़ेगा, 5 रेज टू द पावर 5 इनटू 10 रेज टू द पावर 15 बाइट्स, कितना बड़ा नंबर है, दिस इज सच अ बिग नंबर, 5 इनटू 10 रेज टू द पावर 15 बाइट्स, उससे अच्छा छोटा करके लिख दो 5 पेटाबाइट, पेटा 5 पेटाबाइट, तो बड़े मेजरमेंट्स के लिए हम ये प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है, हमें इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा 10 raised to the power 9 bytes, हमने छोटा लिख दिया 1 GB, हो गया 1 GB complete, तो बड़े बड़े मेजरमेंट्स को छोटा में हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग दीज प्रीफिक्सेस, तो दीज प्रीफिक्सेस आर यूज फॉर बिग मेजरमेंट्स, यहाँ लिखा हुआ, तो तुमको क्या करना है, हर एक प्रीफिक्स का नाम याद करना है, उसका सिंबल याद करना है एंड उसका मीनिंग याद करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है और किसी में कंफ्यूजन नहीं रखना है, समझ में आ गया, नाउ we will look at some more prefixes used for small measurements. अभी स्क्रीन पर देखो, जूम करता हूं, तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब कुछ और प्रीफिक्स आ गए हमारे सामने जो कि स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं, इनका मीनिंग देखो, 10 raised to the power नेगेटिव नंबर है, ओके okay, इसके पहले जितने भी प्रीफिक्स हमने लिखा था, हमने देखा था, अच्छा तुम वीडियो पॉज करके इनको डेफिनेटली लिखना, एवरी स्लाइड व्हिच आई एम डिस्प्लेइंग, व्हिच आई विल डिस्प्ले इन द लेक्चर शुड बी इन योर नोटबुक, मैंने ये लेक्चर वन में भी बोला था, यू हैव टू मेंटेन द नोट्स, दीज नोट्स वुड बी सुपर 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 यूजफुल टूल फॉर योर प्रिपरेशन एंड दीज नोट्स वुड बी ऑल इन ऑल नोट्स, ये जो वीडियो है और ये जो तुम्हारा नोट्स है तुम्हारे पास, इसके अलावा तुमको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑल इन ऑल है, सब कुछ है, इससे तुम प्रिपेयर करके जाओगे अपने एग्जाम में, तुम वहां धमाका कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म एक्सीलेंट, ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नोट्स लिखो, तो आई होप यू हैव रिटन दिस, नाउ कमिंग टू दिस, तो देखना पिछले वाले में सारे के पावर्स 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव नंबर था, अभी जितने भी हैं सबके पावर्स नेगेटिव है, इसलिए इसलिए हम दोनों को हमने अलग अलग टेबल में लिखा है, डेसी, डेसी इज स्मॉल डी नॉट कैपिटल डी, centi is small c, milli is small m, micro is mu, is symbol ka naam kya hai, mu, nano is n, pico is small p, ya fir do bar micro micro likhte hain, generally small p se hum denote karte hain, femto small f, acto a small a, zepto small z, yeto small y, dekho isme confuse mat karna, योटा कैपिटल वाई होता है, योटा इज कैपिटल वाई एंड येटो इज स्मॉल वाई, येटो का मतलब है 10 रेज टू द पावर माइनस 24, ये सारे थोड़े अनकॉमन है, मुझे लगता है फेमटो एटो जेप्टो येटो ये शायद तुम लोगों ने पहले सुना नहीं है, लेकिन बाकी शायद सुना है, सुना ही है, डेसी सुना होगा, डेसीमीटर बोलते हैं, डेसीग्राम बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं, सेंटी भी सुना है, ओके, मीटर के आगे लगा दिया प्रीफिक्स सेंटी तो बन गया सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी सुना होगा, माइक्रोमीटर भी सुना होगा, नैनोमीटर भी सुना होगा, नैनोमीटर प्लास्टिक का जो थिकनेस या पेपर का जो थिकनेस होता है उसे हम कई बार नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, पिकोमीटर भी सुना होगा, पिको सेकेंड सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लिया, अभी सुन लिया, कौन सी बड़ी बात है, ओके, नाउ हियर ऑल्सो प्रीफिक्स तो याद करना है, उनके सिंबल्स को याद करना है, मीनिंग को भी याद करना है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं 6 डेसीमीटर, पहले तो ये देखो कि डेसीमीटर इज रिटन एज स्मॉल डी स्मॉल एम, लेकिन अगर हम 6 डेकामीटर लिखें तो डी ए एम लिखेंगे, डेका का भी स्मॉल डी से स्टार्ट होता है लेकिन डेका में डी ए होता है और डेसी में सिर्फ डी होता है, इस चीज को ध्यान से देख लो, यहां बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा, कई बार मैंने लिखा 5 डी एम, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं डेकामीटर क्योंकि डी है डेकामीटर, गलत, स्मॉल डी सिर्फ स्मॉल डी है तो स्मॉल डी इज डेसी, डेसी, और अगर अगर लिखा हुआ 5 डी ए एम तो डी ए स्टैंड फॉर डेका, तो डेका का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 1 और डेसी का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 1, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है,
तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर सिर्फ डीएम लिखा हुआ है मींस डेसीमीटर, अगर डीजी लिखा हुआ है तो डेसीग्राम, डीजी मतलब डेसीग्राम, क्योंकि डी मतलब डेसी, अगर डीएजी लिखा हुआ है तो डीए मतलब डेका, तो डीएजी मतलब डेकाग्राम। ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये जो कॉमन मिस्टेक्स है इनको मैं बोल दे रहा हूं। अगर हमें क्वेश्चन में आया कि 6 डेसीग्राम मतलब हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हलवा है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा। 6 डेसीग्राम जो है उसको लिख सकते हैं 6 into डेसी के जगह 10^-1 ग्राम्स, यही आंसर हो गया। 6 डेसीग्राम इज 6 into 10^-1 ग्राम्स। अगर मेरे पास है 225 माइक्रोमीटर, 25 माइक्रोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स बताओ, तो 25 माइक्रोमीटर को हम लिख सकते हैं 25 into माइक्रो के जगह क्या लिखेंगे, 10^-6, माइक्रो का मतलब 10^-6, तो माइक्रो का ये सिंबल है ना म्यू, मैंने बताया था म्यू, 10^-6 मीटर। अच्छा ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन अब इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करके लिखना है। दिस इज करेक्ट, 25 into 10^-6 मीटर, 25 माइक्रोमीटर मींस 25 into 10^-6 meters। लेकिन ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन हमें ये कहता है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, यहां तो कोई डेसिमल है नहीं, अगर नहीं है तो वेर इज द डेसिमल, ये है 5 के बाद, इनविजिबल रहता है। अगर कोई डेसिमल नहीं है तो वो, जैसे अगर हमने सिर्फ लिखा 100, तो वेर इज द डेसिमल, इट इज बेसिकली 100.0, तो डेसिमल है 100 के बाद, मतलब कि After the units place, there is the decimal. मतलब 25 अगर है, तो decimal कहाँ है? Actually है, hidden है. It is actually 25.0. तो decimal हमारे दो digits के बाद है. मतलब 2 के बाद और 5 के बाद. There are two digits and after that there is a decimal. तो ऐसा नहीं होता है scientific notation. If you have studied in maths, scientific notation tells us that the decimal should be just after one digit, one non-zero digit. So that means हमारा decimal 2 के बाद होना चाहिए, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। दैट मींस वी हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल, ये जो 5 के बाद जो डेसिमल है, जो यहाँ पर हिडन है बेसिकली, उस डेसिमल को मुझे यहाँ लाना है, एक बार जंप कराना है। और एक बार अगर हम लेफ्ट साइड में जंप कराते हैं, ये तो लेफ्ट साइड जंप कर रहा है, एक बार जब हम लेफ्ट साइड में जंप कराते हैं तो 10^-पावर जो है उसका पावर एक बार इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द रूल, जितना प्लेसेस वो जंप करेगा अंदर के तरफ लेफ्ट साइड, उतना वो इंक्रीज करेगा पावर। तो अगर जंप कितना बार किया, वंस जस्ट, एक बार बस जंप करना है, तभी वो 2 के बाद आ जाएगा ये डेसिमल। तो अभी हमारा हो जाएगा 2.5। अच्छा, और ये इसको हम कर देंगे, ये पावर क्या हो जाएगा, अंदर गया तो इंक्रीज होगा, -6 को एक बार इंक्रीज करेंगे तो -5 हो जाएगा, -6 को इंक्रीज करेंगे -7 नहीं होगा, नेगेटिव में जब हम इंक्रीज करते हैं तो -6 से वो -5 होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? अगर 6 होता, सिर्फ 6 होता तो उसे हम 7 बनाते, लेकिन -6 से -5 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ही हमें करना था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नेगेटिव में ऐसे इंक्रीज होता है। नंबर लाइन बनाओगे तो -6 यहाँ पे है, यहाँ -7 है, यहाँ -5 है, तो एक बार -6 से इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास -5 होगा, फिर -4 होगा, फिर -3 होगा, तो नेगेटिव में ऐसे इंक्रीज होता है। आई होप ये सारी चीजें तो पता है तुम्हें। ठीक है, दैट मींस व्हाट, 25 माइक्रोमीटर, नाउ फाइनली यू विल राइट इट एज लाइक दिस, 25 माइक्रोमीटर इज दीज मेनी मीटर्स, 2.5 into 10^-5 meters। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल करके हम आगे बढ़ेंगे, छोटा सा और एग्जाम्पल करते हैं। अगर मेरे पास दिया हुआ है 625 picometer is how many meters? 625 picometer is how many meters? So 625 picometer को लिखेंगे 625 into pico का मतलब होता है 10^-12 meters। अच्छा ये तो हमारा आंसर है, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए था, तो यहाँ पर 5 के बाद डेसिमल है,
डेसिमल है नहीं, मतलब कि एक्चुअली हिडन है, फाइव के बाद है. वी हैव टू मेक द डेसिमल जंप टू प्लेसेस, एक बार फाइव के आगे आएगा और फिर से जंप करके हमें टू के भी आगे ले जाना है, बिकॉज सिक्स के बाद डेसिमल होना चाहिए, वन डिजिट के बाद, वन नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए. दैट मीन्स 6.25, दो बार जंप कराया तो दिस हैज टू ऑल्सो इंक्रीज टू टाइम्स, तो 10 रेज टू द पावर, दो बार इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा -10. -12 से एक बार इंक्रीज किया तो -11, -11 से एक बार इंक्रीज किया -10. तो ये हो गया हमारा आंसर 625 पिकोमीटर, मतलब 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स. नो डाउट, सिंपल है. तो इस तरह से हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स, छोटे छोटे मेजरमेंट्स. दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर. ओके, नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ. अलग अलग यूनिट्स है लेंथ का, उनको हम पढ़ेंगे. SI यूनिट भी पढ़ेंगे और बहुत सारे नॉन मेट्रिक यूनिट्स पढ़ेंगे, उनका डेफिनेशन पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत नॉलेजेबल फैक्ट्स है यहाँ पर, बहुत कुछ नए सीखने को मिलेगा, एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो दो SI यूनिट ऑफ लेंथ, कोई भी लेंथ है, लेंथ मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ? लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू एनी टू पॉइंट्स. कोई दो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेंथ. या फिर कोई पाथ है ए और बी से, इस रास्ते से हमने कवर अप किया, तो इस कर्व्ड पाथ का डिस्टेंस क्या है, मतलब कितना डिस्टेंस चलकर ए से बी इस पाथ के थ्रू गया है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ. लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर्स, सबको पता है. मीटर्स, मीटर्स में हम लेंथ को मेजर करते हैं, और भी बहुत सारे यूनिट्स है लेकिन मीटर को चूज किया गया है एज SI यूनिट. और इसकी जानकारी मैंने तुम्हें प्रीवियस जो लेक्चर वन था उसमें ही, देखो हमने इस चीज को पढ़ लिया था. स्क्रीन को मैं जूम करता हूँ, हमने पढ़ लिया था कि लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स SI सिस्टम में. ओके, तो मास का भी पढ़ा था, टाइम का भी पढ़ा था, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हमने लेक्चर वन में कवर अप कर लिया था चिल्ड्रन. ठीक है, तो तुम्हें पता है ऑलरेडी कि 1 मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर? तो 1 मीटर को कई तरीके से डिफाइन किया गया. पुराने जो डेफिनेशन है उनको हमें एग्जाम में नहीं लिखना है. 1 मीटर का एक ओल्ड डेफिनेशन है, लेकिन फिर उसको मॉडिफाई किया गया 1 मीटर का डेफिनेशन. उसके बाद भी एक थर्ड टाइम मॉडिफाई किया गया 1 मीटर का डेफिनेशन. जो सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है 1 मीटर का, वो स्क्रीन पर तुमको दिख रहा है. एंड दिस डेफिनेशन यू हैव टू राइट इन एग्जाम. यू विल नॉट राइट द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर. अगर उनको लिखते हो एग्जाम में तो मार्क्स कट जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा. तुम्हें नया डेफिनेशन लिखना है. एंड दिस इज द लेटेस्ट, द मोस्ट रिसेंट डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, विच इज डिफाइंड बाई द साइंटिस्ट एंड एक्सेप्टेड बाई साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो 1 मीटर कितना डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 मीटर? तो एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए ना. इंडिया में 1 मीटर का अगर जितना लेंथ है, क्या अमेरिका में वो लेंथ चेंज हो जाएगा, 1 मीटर एक दूसरा लेंथ हो जाएगा? नहीं, तो वो फिक्स्ड है ना. 1 मीटर इज दिस लेंथ ओनली, इतना ही लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे, चाहे इंडिया में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, चाहे कहीं पे भी पृथ्वी के किसी भी पॉइंट पर हो. 1 मीटर मतलब वो फिक्स लेंथ है. सारे साइंटिस्ट ने इस बात को एग्री किया कि हम 1 मीटर डिस्टेंस उस लेंथ को बोलेंगे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट इन दिस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इतना फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड में. समझो, मेरे पास अगर 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड टाइम, समझ रहे हो कितना छोटा टाइम है. 1 सेकेंड टाइम, 1 सेकेंड टाइम को अगर हम दीज मेनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 299792458, इसको अगर हम पढ़ने का कोशिश करें इन इंटरनेशनल फॉर्मेट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो ये हो गया 1s, 10s, 100s, 1000, 10000, 100000, million, 10 million, 100 million, मतलब 299,792,458 पार्ट्स. आई रिपीट, कितना बड़ा नंबर है, 299,792,458 पार्ट्स. इतने पार्ट्स, इतने इक्वल पार्ट्स में
इतने इक्वल पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड किया 1 सेकेंड को, 1 सेकेंड टाइम ही कितना छोटा होता है, और उस 1 सेकेंड टाइम को अगर हम इतने छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इतने नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, तो वो जो एक छोटा सा एक पार्ट होगा ना, वो जो इंटरवल होगा, वो जो ड्यूरेशन होगा, 1 सेकेंड को भी जब हमने इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट का जो ड्यूरेशन है उतना छोटा टाइम, उस टाइम में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो डिस्टेंस होता है 1 मीटर, और वो फिक्स्ड होता है, और वो फिक्स्ड होता है, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 मीटर। तो 1 मीटर इज दिस डिस्टेंस, इसका डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है एग्जाम के लिए। 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यू हैव टू लर्न दिस नंबर ऑफ अ सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। अच्छा, वो लाइट भी कहाँ ट्रेवल करेगा, ऐसे अलग अलग मीडियम में नहीं, लाइट, वो जो लाइट ट्रेवल कराएंगे हम और चेक करेंगे कि इतने पार्ट ऑफ अ सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो लाइट को हमें वैक्यूम या एयर में, जब लाइट को हम ट्रेवल कराते हैं तब की बात की जा रही है, जब लाइट एयर में या वैक्यूम में 1/2997924.58 पार्ट ऑफ अ सेकेंड में द डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे वो डिस्टेंस होता है 1 मीटर। ये डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गया, अब इसको याद करना है, इस नंबर को तुमको याद करना है, एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखोगे 1 मीटर का। Now, सब यूनिट्स ऑफ मीटर जो कि मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था जब हमने पढ़ा था प्रीफिक्सेस, सेंटीमीटर, तो मीटर के आगे अगर हमने सेंटी लगा दिया तो सेंटी का मतलब 10^-2 होता है, अभी अभी पढ़ा था, सेंटी मतलब 10^-2, यानी हमारा आ गया कि 1 सेंटीमीटर इज 10^-2 मीटर, कुछ नहीं है, हलवा है। तो कुछ एग्जांपल्स जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वो यहाँ लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज 100th part ऑफ अ मीटर, 100th part मतलब क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 100 तभी जाके ये 10^-2 आएगा, क्लियर है। मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर का अभी अभी पढ़ा था, 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 × मिली का मतलब होता है 10^-3 मीटर, यानी 1 मिलीमीटर इज 10^-3 मीटर, है ना। अरे अभी तो यहाँ पढ़ा मिली का मतलब होता है 10^-3, तो 1 मिलीमीटर मीन्स 10^-3 मीटर, और 10^-3 मतलब एक्चुअली ये 1/1000, 1/1000 को हम 10^-3 बोलते हैं, तो 1 मिलीमीटर इज 1000th part ऑफ अ मीटर, 1 मीटर को अगर हम 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट का जो लेंथ है वो है 1 मिलीमीटर, करेक्ट, नो डाउट। और सेंटीमीटर में उसे हम एक्सप्रेस करें तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। हम इंटरकन्वर्शन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर ये 1/10 सेंटीमीटर कैसे आया, समझ में आया, हाउ कैन आई राइट दैट 1 mm इज 1/10 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं बता रहा हूं, देखो ये चीज तो समझ में आ गया ना कि 1 मिलीमीटर इज 1/1000 मीटर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 1000 को अलग अलग लिख सकते हैं, 1/100 × 1/10 मीटर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, 1 mm is, इस फ्रैक्शन को मैंने बस स्प्लिट कर दिया, डिनोमिनेटर 1 और 1 तो यहाँ है, 1 × 1 is 1, और नीचे हमारा 100 × 10 is 1000, तो हमने बस डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया। अच्छा, 1/100 इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 10^-2, लिख सकते हैं 10^-2, क्योंकि 1/100 इज 10^-2, और इसके साथ साथ ये 1/10 मीटर ऑलरेडी है, एंड 10^2 का मतलब क्या है, सेंटी, 10^-2 का मतलब क्या, सेंटी, यानी यहां पर हम 10^-2 को सेंटी लिख सकते हैं, सी, और ये एम तो ऑलरेडी है, तो बेसिकली इस 1/10 को हम आगे लिख देते हैं, 1/10 को हमने आगे लिख दिया, एंड इसके जगह पर हमने सेंटी लिख दिया 10^-2 के जगह, और सेंटी, और इसके बाद ये मीटर तो है ही,
तो हमारा 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो गया, यानी 10^-1 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम आगे लिख सकते हैं ना, 10^-1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बुद्धि का प्रयोग कर। अब नेक्स्ट है माइक्रोमीटर, जिसे हम माइक्रॉन भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज इट? इट इज 1 millionth, यानी 10^-6 पार्ट ऑफ अ मीटर। तो हमारे पास अगर 1 meter है, अच्छा 10^-6 को हम लिख सकते हैं 1/10^6। तो हमारे पास अगर 1 meter है, 1 meter है, और उस 1 meter को हमने 10^6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो एक स्मॉल पार्ट होगा वो होगा 1 micrometer, राइट? दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट, 1 millionth पार्ट ऑफ अ मीटर, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल म्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर और माइक्रॉन। माइक्रॉन माइक्रोमीटर सेम होता है, ठीक है? तो यहां सिर्फ 1 micron बोले, इसका मतलब ही है 1 micrometer। तो उसको तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि माइक्रो का मतलब होता है 10^-6, मतलब 10^-6 मीटर, जिसको अगर हम चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे आया, कैसे हम ये कह सकते हैं कि 10^-4 सेंटीमीटर होता है 1 micron, उसको अभी हम करते हैं, तुम्हें समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। और कैसे हमने कहा कि ये 10^-3 मिलीमीटर होता है, उसको भी करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर दूं, आई होप यू हैव रिटन दिस पार्ट ऑलरेडी। अब देखो इस स्पेस में मैं लिखता हूं, 1 micron इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसको 10^-6 को हम डेफिनेटली लिख सकते हैं 10^-2 into 10^-4 मीटर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, सिंपल है, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। 10^-6 इज 10^-2 into 10^-4, लिख सकते हो ना, 10^-2 into 10^-4। इसको एक साथ कंबाइन करोगे, एक्सपोनेंट्स का लॉज क्या कहता है, नियम क्या कहता है, कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे विद द साइन, यानी -2 + -4, जो कि 10^-6 ही दे रहा है। तो -10^-6 को हम बस स्प्लिट करके ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि क्यों हमने ऐसा स्प्लिट किया चिल्ड्रेन, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। We are going to convert 1 micron into centimeter. और हम जानते हैं सेंटीमीटर में 10^-2 होता है, सेंटीमीटर का मतलब, सेंटीमीटर का मतलब 10^-2 होता है, इसलिए हमने 10^-2 में इसको स्प्लिट किया, और बचा कितना हुआ है, 10^-4 बचा हुआ है। ओके, तो एक हमने पार्ट लिया 10^-2, और दूसरा अपने आप आ गया -4, क्योंकि -6 से -4 -6 में जब हम -4 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमें जाकर ये मिलेगा, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमें 2 मिलेगा। तो हमने तो 2 ऑलरेडी निकाल लिया, तो 6 से अगर 2 निकाल लिया, कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, इजंट इट? सो -2 × 10^-4, नाउ दिस इज नथिंग बट सेंटी, 10^-2 इज सेंटी, और ऑलरेडी एक मीटर है, तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 10^-4, इसके लिए सेंटी और मीटर। तो 1 micron इज इक्वल टू 10^-4 सेंटीमीटर आ गया। मिलीमीटर कैसे आएगा? अब वैसे ही आएगा जैसे इसको भी किया, 1 micron इज इक्वल टू, ये तो क्लियर है 10^-6 मीटर। इसको अब हम स्प्लिट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10^-3 इंटू 10^-3, -3 - 3 विल गिव यू -6 ओनली, नो डाउट। हमने इसे ऐसे क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि 10^-3 का मतलब मिली होता है, तो एक तो ये 10^-3 बच गया है, तो 10^-3 लिख दिया, और ये है मिली, 1 of the 10^-3 इज मिली, एंड 1 वी हैव मीटर ऑलरेडी, तो mm मिलीमीटर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो इसी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। नैनोमीटर, नैनोमीटर इट इज 1 billionth, दैट मीन्स 10^-9 पार्ट ऑफ अ मीटर। तो 1 nanometer को हम लिख सकते हैं 10^-9 मीटर। नैनो का मतलब अभी अभी बताया था ना, 10^-9 होता है, दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पर, तो वही चीज है, 10^-9 मीटर।
इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं सेंटीमीटर्स में, 1 नैनोमीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, कैसे करोगे? तो सेंटी का मतलब 10^-2 होता है, तो इसी 10^-9 को स्प्लिट करो, 10^-2 इंटू 10^ ऑफ कितना लिखोगे, 9 से 2 माइनस कर दो, कितना बचता है 7, तो 10^-7 लिखोगे, क्योंकि -2 एंड देन -7 विल मेक इट -9, ठीक है। और इस 10^7 तो लिख लिया, और ये जो 10^-2 है उसके लिए लिख दो सेंटी और एक मीटर है। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1 नैनोमीटर इज 10^-7 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर तुमसे कहा जाए बच्चे कि 1 नैनोमीटर इज हाउ मेनी, बताओ हाउ मेनी मिलीमीटर्स, हाउ मेनी मिलीमीटर्स, कितने मिलीमीटर्स है 1 नैनोमीटर, तो कैसे करो? तो सबसे पहले लिखोगे बेसिक इक्वेशन, 1 नैनोमीटर इज 10^-9 मीटर, और इसको स्प्लिट करोगे, मिलीमीटर है ना, तो मिली का मतलब 10^-3 इंटू, अब 10^ क्या लिखोगे, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, कितना होगा 6, तो -6 लिखोगे। दैट मीन्स 10^-3 इंटू 10^-6, ये दोनों कंबाइन करोगे तो ऑब्वियसली 10^-9 आएगा, ओके, दिस मेनी मीटर्स। तो 10^-6 को आगे लिख दो, एंड 10^-3 जो है दिस इज नथिंग बट मिली, आ गया हमारा मिली, और एक ये मीटर है मिलीमीटर, तो 1 नैनोमीटर इज 10^-6 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आराम से, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्वर्शन पूछे, हमें अगर बेसिक इक्वेशन पता है और हमें ये पता है कि हर एक प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, तो तुम बड़े आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? जितने सारे एग्जांपल्स मैंने बोला है ना अभी, उनको सबको तुम्हें प्रैक्टिस करना है, एंड यू कैन मेक योर ओन एग्जांपल्स, यू कैन मेक योर ओन कन्वर्शंस, ओके, एंड यू शुड डू इट, यू शुड डू इट, ऑलराइट, करोगे? चलो आगे कुछ और हम मेट्रिक यूनिट्स, उसके बाद नॉन मेट्रिक यूनिट्स भी पढ़ेंगे। अभी हमारा है किलोमीटर, किलोमीटर इज 1000 multiple ऑफ अ मीटर, ये तो सिंपल है क्योंकि किलो का मतलब ही होता है 1000, तो 1 किलोमीटर मींस 1000 मीटर, नो डाउट। अभी पीछे भी पढ़ा था किलो मतलब 10^3, 10^3 मतलब 1000, तो 1 किलोमीटर इज 1000 multiple ऑफ अ मीटर, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। अब नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ मतलब कि हम जो डे टू डे लाइफ में कुछ लेंथ को मेजर करना होता है, वैसा यूनिट ये नहीं है। ये जो यूनिट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये स्पेस और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस, एक स्टार से एक प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच का डिस्टेंस, वैसे heavenly bodies, space में जो distances है, जो day to day life में हम use नहीं करते, हमारे रांची से यहाँ गुजरात में क्या क्या distance है, हमारे गुजरात से हमारे तमिलनाडु के बीच में क्या distance है, वो distance के लिए हम ये सारे units का use नहीं करते। ये सारे हो गया non metric units जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, non metric units। तो non metric units use होते हैं स्पेस के मेजरमेंट्स को करने के लिए, स्पेस में डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। सबसे पहला यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नॉन मेट्रिक यूनिट में द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल, फर्स्ट यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए डॉट यू, ए कैपिटल यू कैपिटल इज द शॉर्ट फॉर्म। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, 1 astronomical यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 1 astronomical यूनिट। देखो ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, तो घूमते घूमते अर्थ कभी इधर भी आएगा, तो यहां से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस छोटा डिस्टेंस है, लेकिन इस इधर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, दिस डिस्टेंस d2 विल बी मोर। तो इसी तरह से ये जो दोनों डिस्टेंस है इसका एवरेज लिया गया, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो वैरी कर रहा है ना अलग अलग प्लेसेस पर, कभी अर्थ इधर है तो सन से इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा, और जब ये अर्थ घूमते हुए आया, क्योंकि हमारा ये जो ऑर्बिट है ना दैट इज नॉट सर्कुलर, अगर सर्कल होता तो इक्विडिस्टेंट होता हर पॉइंट पर, लेकिन ये ऑर्बिट एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एलिप्स है,
एलिप्स में क्या होता है, अगर सेंटर में हमारा सन है तो अर्थ कभी बहुत फार है और अर्थ जब इधर आया तो कभी थोड़ा क्लोज हो गया। तो ये जो एवरेज निकाला गया, व्हाट इज द मीन डिस्टेंस, मतलब एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ, एंड दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वैसे न्यूमेरिकल्स में, जब हम हायर क्लासेस में न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर होता है, और हम ये कहते हैं, सिंपल ये डेफिनेशन भी बोलेंगे कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मीन डिस्टेंस नहीं भी बोले तो भी चलता है, लेकिन अभी नाइन्थ में तुम्हें ये लिखना जरूर, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो बुक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, कॉन्साइज, वहां से ये डेफिनेशन लिया गया है। तो इसीलिए जो कंसाइज फिजिक्स में, उसी डेफिनेशन को लिखना, मीन वर्ड को जरूर लिखना। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस, मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। व्हाट इज इट्स वैल्यू, हाउ मच मीटर्स इज इट, अगर उसको मीटर्स में मेजर करें तो इट इज 1.4 9 6 × 10⁻¹¹। व्हाट डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर। सबसे पहले तो इस ईयर को देखकर ये मत समझना कि ये टाइम का यूनिट है। एक बार क्लास नाइन्थ का बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जो काउंसिल से क्वेश्चन पेपर आया था तुम लोगों से 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले क्लास नाइन्थ में भी बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, मतलब बोर्ड से क्वेश्चन पेपर आया था। एंड इन दैट क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बच्चों ने लाइट ईयर को लिख दिया लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का है। गलत, ईयर को देखकर टाइम सोच लिया। अरे ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। और वो कौन सा डिस्टेंस है लाइट ईयर, वन लाइट ईयर इज व्हाट डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर। एक साल में, वन ईयर में वैक्यूम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक साल में, बहुत लंबा डिस्टेंस होगा, क्योंकि लाइट का डिस्टेंस, लाइट का स्पीड कितना फास्ट होता है, और हमने उसको एक साल, वन ईयर तक लाइट को चलने दिया, इतना डिस्टेंस वो आगे बढ़ा, एक सेकेंड में ही वो कितना आगे बढ़ जाता है, तो एक साल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वैक्यूम में, और वो जो डिस्टेंस है दैट इज वन लाइट ईयर। अंडरस्टूड? एंड कितना किलोमीटर है वो देखो, वन लाइट ईयर कितना मीटर्स है, कितना किलोमीटर्स है, वो तुम्हें याद रखना है। वैसे यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है, और सॉल्व कैसे किया गया है वो मैं अभी बताऊंगा, बट बिफोर दैट यू ऑल्सो सी, यू हैव टू लर्न, मार्क दिस अप, वन लाइट ईयर इज 9.46 इंटू, और इस 9.46 को कई बार 9.5 लिखा जाता है, लेकिन तुम इसे याद करना 9.46। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रिसाइज वैल्यू को याद करना अच्छा होता है। सो वन लाइट ईयर इज 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर्स। इसको तो तुम्हें याद रखना ही है, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर्स। और एक वैल्यू तुम्हें याद रखना है, एक रिलेशन याद रखना है किलोमीटर्स में भी, वन लाइट ईयर इज 9.46 × 10⁻¹² किलोमीटर्स। ये दोनों याद हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ हाउ डिड वी गेट दिस वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें आया कैसे, 9.46 × 10⁻¹⁵। तो यहां पर ध्यान से देखो कि वन लाइट ईयर इज स्पीड इंटू टाइम। सबसे पहले तो जानते हो कि बेसिक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। क्लास 6 में पढ़े हो, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। अगर हमारा डिस्टेंस वन लाइट ईयर है तो हम बात कर रहे हैं स्पीड, किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड की, क्योंकि ये लाइट मूव कर रहा है एक साल में इतना डिस्टेंस। तो ये स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता है ना, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या हो गया, हम वन ईयर टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम इस वन ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो वन ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट कैसे किया गया, वन ईयर 365 डेज होता है, पहले डेज में कन्वर्ट किया गया, 365 डेज में 24 आवर्स होते हैं, तो × 24 किया गया, हर एक आवर में वन मिनट, 60 मिनट्स होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई किया गया, एंड हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, तो फाइनली फिर से एक बार 60 से मल्टीप्लाई किया गया। तो हमने पूरा वन ईयर टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। शुड आई रिपीट हाउ वन ईयर इज कन्वर्टेड इंटू सेकेंड, वन ईयर मीन्स 365 डेज, तो 365 डेज, वन डे हैज 24 आवर्स, तो पहले फिर आवर में कन्वर्ट किया गया, इंटू 24, वन आवर हैज 60 मिनट्स,
तो यहां पर हो गया इंटू 60, एंड 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स इंटू 60, तो फाइनली हमने 60 फाइनली हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई करोगे ये सारे नंबर्स को, तो तुम्हें यही आएगा 9.46 इंटू 10 to the power 15 meters। तुम्हें ये याद रखना है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स। हाउएवर, नाउ वी शैल डिस्कस पार्सेक। पार्सेक इज ऑल्सो अ नॉन मेट्रिक यूनिट। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। सुनने में बड़ा हार्ड लग रहा है बहुत ईजी। देखो इसको समझते हैं, ये बेसिकली है क्या। दिस इज आवर सन, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो इफ आई कंसिडर पॉइंट ए इज वेयर द सन इज प्रेजेंट एंड पॉइंट बी इज वेयर द अर्थ इज प्रेजेंट, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, एंड इट इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। इसका दूसरा नाम होता है सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। दिस इज वॉट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज। ठीक है, तो हमने ए और बी ले लिया, 2 पॉइंट, ए जहां सन है, बी जहां अर्थ है। ओके, बी इज अर्थ। अच्छा, ये जो लाइन मुझे मिला ए बी, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी एंड दैट लाइन शुड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से स्टार्ट करते हुए हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ए बी के साथ परपेंडिकुलर, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। अच्छा, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, दिस लाइन परपेंडिकुलर लाइन, इस पर हम अलग अलग पॉइंट्स चूज करते हैं। लेट अस चूज दिस पॉइंट फर्स्ट, सी द कॉन्सेप्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड पार्सेक वेरी इजिली। हमने एक पॉइंट चूज किया, पॉइंट पी, P1 लिखते हैं, पॉइंट P1। लेट अस चूज अ पॉइंट P1। सो ये जो P1 पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है ए बी के द्वारा, वी विल ज्वाइन ए टू पी, एंड ऑलरेडी बी टू P1 इज ऑलरेडी ज्वाइंट। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल दैट वी हैव टू लुक फॉर। ये एंगल कब 1 सेकेंड बन जाएगा, कितने डिस्टेंस पर ये 1 सेकेंड बनेगा। तो इन द सेम लाइन, इन द सेम लाइन इफ आई चूज अनदर पॉइंट P2 थोड़ी सी दूरी पर, तो ये एंगल जो अभी बनेगा, अभी जो एंगल यहां बन रहा है, द एंगल सबटेंडेड इज दिस एंगल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक न्यू एंगल सबटेंड होगा। लेट अस कॉल दिस एंगल नंबर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, हमें एक नया एंगल मिला वाई। तो तुम्हें दिख रहा है ना कि एंगल डिक्रीज हो गया, एक्स बड़ा था उसके कंपैरिजन में, वाई जो एंगल अभी सबटेंड हुआ दैट इज लेसर। थोड़ी सी और दूरी दूर पर हम चले जाते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P3 उसी लाइन पर, एंड नाउ द एंगल विच इज सबटेंडेड एट P3 विल बी स्टिल लेस। ये जो जेड एंगल है, दिस इज द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ द थ्री, एक्स से छोटा वाई, वाई से भी छोटा जेड हो गया, दिख रहा है ना। उसी तरह से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं पॉइंट बी से, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड इज बिकमिंग स्मॉलर। ऐसे दूर जाते जाते एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम मान लेते हैं PN पॉइंट है। उस PN पॉइंट पर, बहुत दूर पर होगा ये पॉइंट, बहुत दूरी पर, और बहुत दूर पर जाकर ये एंगल इतना छोटा हो जाएगा कि ये एंगल का मैग्नीट्यूड हो गया 1 सेकेंड। एंड यू नो दैट एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड ऑल्सो। पढ़े हो ना कि हम एंगल्स का यूनिट डिग्रीज भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। इसको टाइम का यूनिट मत सोचना, दिस एंगल, दिस सेकेंड इज नॉट टाइम का यूनिट, एंगल का यूनिट। तो जितनी दूरी पर जाकर हमें ये एंगल मिलता है, 1 सेकेंड का एंगल जब मिलेगा, तो उस डिस्टेंस को, मतलब पी एन से बी का, अब डिस्टेंस के अगर 1 सेकेंड एंगल सबटेंड हुआ, तो पी एन से इस बी का डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 पार्सेक। 1 पार्सेक, समझ रहे हो 1 पार्सेक क्या है, कैसे कैलकुलेट किया गया। दिस एंगल सबटेंडेड इज 1 सेकेंड, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर दिस 1 सेकेंड एंगल हैज बीन सबटेंडेड दैट इज 1 पार्सेक। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। अब तुम्हें ये याद रखना है कि 1 पार्सेक इज 3 × 3.08 × 10 to the power 16 meters। ये तुम्हें याद रखना है। पार्सेक को पैरासेक भी लिखा जाता है, क्योंकि इसका एक्चुअली फुल फॉर्म होता है पार्सेक का,
parallax into arc second. Parallax and second का word हुआ है कहां से? Arc second. तो basically para sec भी इसको बोल सकते हैं, जिसको और छोटा करके parsec बोलते हैं या parsec बोलते हैं. तो one parasec या फिर parsec is nothing but 3.08 into 10 to the power 16 meters. Light year में इसको अगर convert करें तो 3.26 light years है. You should not forget the values. तुम्हें ये याद रखना है. ये हो गया. अब smaller units, जो कि ये भी हमारे बहुत काम आता है, electrons, protons, या फिर एक atom के अंदर के मेजरमेंट्स. एक एटम कितना छोटा होता है, उसके अंदर उस एक एटम का साइज को हम मेजर करते हैं. तो किन यूनिट्स में करेंगे? छोटा छोटा यूनिट्स चाहिए, एंड दीज आर सच यूनिट्स. तो सबसे पहले लेते हैं एंगस्ट्रॉम को. इट इज व्हाट? पहले उन नाम देख लो. एंगस्ट्रॉम एक ऐसा यूनिट है, दूसरा है फर्मी. एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी. ओके, तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? इट इज 10^-10 ऑफ अ मीटर, यानी 1 meter, one angstrom is 10^-10 meter. याद रखना है, 1 angstrom is 10^-10 of a meter. बड़ा सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इजी. इसे तुम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नैनोमीटर में भी कर सकते हो ना, बहुत इजी. अब तो कोई डाउट नहीं ना है, कैसे 1 angstrom को नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे? कैसे ये 10^-1 आया? कर सकते हो. देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. 10^-10 को स्प्लिट करो. नैनो का मतलब होता है 10^-9. तो इसको स्प्लिट करो 10^-9. तो 10 से 9 सब्ट्रैक्ट कर लो तो बच रहा है सिर्फ 1 10, यानी 10^-1. तो -9 और -1 मिलकर -10 बन गया, एंड इसको मीटर लिख दो. अब 10^-9 को हम लिख सकते हैं नैनो, और हमारा ये बचा हुआ है 10^-1. दिस इज नैनो एंड दिस इज मीटर. तो 10^-1 meter. उसी तरह से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया गया, तुम इसको खुद कर सकते हो ना इसको. मैं इसको आई विल नॉट इरेज इट, लेट इट बी देयर. कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया? 1 angstrom को हमने लिखा 10^-10 meter. खुद से करो, वीडियो पॉज करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. स्प्लिट करो, सेंटी मतलब 10^-2. तो 2 निकाल लियो, अब बच रहा है 10^-8 meters. तो 10^-8 और ये -2 को हम लिख सकते हैं सेंटी फिर मीटर. तो 10^-8 centimeter इज 1 angstrom. सिंपल है ना, कुछ तो है नहीं, हलवा. ओके, Nowadays, angstrom is outdated and nanometer is preferred over meter. ये लिखा हुआ है. Okay? The wavelength of light, interatomic or intermolecular separation, etc. are now commonly expressed in nanometer. मैंने पहले बोला था, ये छोटे छोटे एक एटम के अंदर के डिस्टेंसेस को, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के डिस्टेंस को, या लाइट का जो वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, लाइट का वेवलेंथ, उसको मेजर, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए हम पहले तो एंगस्ट्रॉम का यूज करते थे, आजकल नैनोमीटर का यूज, क्योंकि नैनोमीटर भी बहुत छोटा यूनिट है. एंड 1 nanometer is 10 angstrom. 1 nanometer is 10 angstrom बिकॉज 1 angstrom is 10^-10. कहां लिखा हमने? यहां लिखा 1 angstrom is equal to 10^-1 nanometer. इसको उल्टा कर देंगे, 1 nanometer is equal to 10 angstrom. एंगस्ट्रॉम कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर एक बिंदी लगा दो, ए लिखो और उसको एक बिंदी लगा दो, दैट इज एंगस्ट्रॉम. सिंपल है. व्हाट इज फर्मी? फर्मी इट इज 10^-15 ऑफ अ मीटर. दिस यू हैव टू लर्न. 1 fermi इज नथिंग बट 10^-15 meter. 1 fermi इज नथिंग बट 10^-15 meter. ऑलराइट, देखो फेमटो में भी वही था, 10^-15, लेकिन वो प्रीफिक्स था, लेकिन फर्मी एक प्रीफिक्स नहीं है. ओके, फर्मी इटसेल्फ इज अ यूनिट, डोंट कंफ्यूज बिटवीन फेमटो एंड फर्मी. फेमटो इज एक्चुअली अ प्रीफिक्स एंड फर्मी इज नॉट अ प्रीफिक्स. ओके, इट इज अ यूनिट इटसेल्फ. 1 fermi इज 10^-15 meters. तो ये सब हमने देख लिया. ये जो टेबल है, ये बस तुम्हें एक बार रिपीट किया हुआ है. सेंटीमीटर इज 10^-2, मिलीमीटर इज 10^-3 meter. कुछ नहीं, अभी अभी इन सारे वैल्यूज को हमने पढ़ा है,
Okay, one astronomical unit is 1.496 into 10 to the power 11 meter. One light year is 9.46 into 10 to the power 15 meters. One parsec is 3.08 into 10 to the power 16 meters. ये सारे जो values हमने already अभी पढ़ लिया उसको एक just table form में यहाँ दिखाया गया है, तुम्हें तो सारे याद करना ही पड़ेगा. Simple है, nothing new. And now comes your homework. Your homework for this second lecture, आज का lecture is this. Define standard meter. मतलब 1 meter को क्या define करते हैं. जो definition मैंने आज class में बताया वही लिखना है. पुराने डेफिनेशंस को नहीं लिखना है, न्यू को लिखना है. ओके, देन नेम टू यूनिट्स ऑफ लेंथ व्हिच आर बिगर देन मीटर, मीटर से बड़े हो. बताओ, बहुत सारे यूनिट्स पड़े हो बिगर देन मीटर, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू 1 meter. फिर 1 meter इज इक्वल टू, मतलब वो यूनिट जो तुम नाम लिखोगे. यू कैन राइट एनी टू यूनिट्स व्हिच आर बिगर देन मीटर. ऑलराइट, एनी टू यूनिट्स, इट कैन बी किलोमीटर ऑल्सो, राइट, इट कैन बी योर लाइट ईयर ऑल्सो. Obviously that is not a metric unit, but वहां ये पूछा नहीं है ना कि metric या non-metric, तो तुम light year भी लिख सकते हो. कोई भी unit जो meter से बड़ा है, you can write parsec also, and उसका क्या relation है meter के साथ वो भी बताना है. कि one parsec, अगर parsec लिखते हो तो 1 parsec is how many meters. अगर kilometers लिखते हो, 1 kilometer is how many meters. अगर decameter लिखते हो, so 1 decameter is how many meters, because decameter is also bigger than 1 meter. Okay, agar hectometer likhte ho to 1 hectometer is how many meters. Ye tumhe yaha likhna hai. Write the names of 2 units of length smaller than meters. Meters is chota, to millimeter likh sakte ho, centimeter likh sakte ho, bahut sare. Express their relation with meter, likh sakte ho. How is nanometer related to angstrom, nanometer or angstrom mein kya relation. And then this table, isko to tumhe ये जो कन्वर्शन है, 1 light year इज हाउ मेनी मीटर, 1 meter इज हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, 1 meter इज हाउ मेनी माइक्रॉन, 1 micron इज हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, 1 fermi इज हाउ मेनी मीटर. ये सब हमने आज पढ़ा है और इसका तुम्हें याद भी करना है और लिख लेना है. यू विल कंप्लीट दिस एंड सेंड मी द होमवर्क इन PDF फॉर्म विच शुड कंप्राइज योर नेम एंड योर स्कूल नेम विद द प्लेस ऑफ योर स्कूल, एंड यू विल सेंड दैट PDF इन दिस ईमेल आईडी sunando.devnath@yahoo.com. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर चिल्ड्रन.